कोलकाता रेप कांड को लेकर कटघरे में ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई तगड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए, पूछा क्यों की लेट कार्रवाई, किस बात का किया इंतजार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। तो वहीं बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में देरी, लापरवाही और कवरअप को लेकर सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से तीखे और तल्ख सवाल करते हुए कहा कि देश एक और बलात्कार की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी परेशान हैं। रेप पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर शेयर होना बहुत ही परेशान करने वाली बात है। हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। कोर्ट ने इस दौरान ममता सरकार से पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या क्यों बताया था, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, क्या उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सीजीआई ने कहा कि जब हत्या की घटना हुई उस समय पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एक FIR दर्ज कराएं। सीजीआई ने सवाल किया कि FIR देर से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, उस वक्त प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, सबसे पहले FIR किसने और कब दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा, जिस पर सरकार ने कहा कि पुलिस। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा नहीं, CISF सुरक्षा देगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RG कर अस्पताल की सुरक्षा बंगाल पुलिस करने लायक नहीं है। ऐसे में हम चाहते हैं कि CISF को इसकी सुरक्षा सौंपनी चाहिए। कोलकाता में हुए रेप कांड से सुप्रीम कोर्ट के जज काफी नाराज नजर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूछा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया गया, हजारों की भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया तो पुलिस बल क्या कर रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेप कांड से आहत हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और कहा कि उनकी चिंता को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी हो। आप हम पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि काम पर लौटें और हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से CBI को ट्रांसफर कर दी है। जांच एजेंसी लगातार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, लेकिन मामले में उनका क्या कहना है ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं ममता बनर्जी अभी तक अपने खिलाफ उठने वाले ज्यादातर सवालों को या तो झुठला रही हैं या राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताकर खत्म करती आई हैं। इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।